हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। फैमिली एंड दोस्तों के साथ आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिले। सो आज की वीडियो है मेरे हेयर केयर की, कि मैं किन क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपने हेयर पे। तो आप देख सकते हो मेरे कुछ इस तरीके से बाल हैं। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पुराने चैनल पे कि आप अपना हेयर केयर रूटीन दिखाइए, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो, क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपने बालों के लिए। सो मैंने सोचा कि मैं अपना नया चैनल खोलूँगी तो उसी पे मैं इस तरीके की वीडियो डालूँगी, जैसे कि हेयर केयर हो गया, प्रोडक्ट हो गए, और स्किन केयर हो गया, मेकअप हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, और कपड़े ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह रिव्यू करना हो प्रोडक्ट के। तो इसलिए मैंने ये चैनल ओपन किया है। सो इसी पर मैं इसी तरह की वीडियो ले लेकर आऊँगी बहुत ही अच्छी। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ उस रिक्वेस्ट को मेरे कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपकी हर रिक्वेस्ट को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ अपना हेयर केयर रूटीन और क्या क्या प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। तो मेरा हेयर केयर रूटीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती, जो भी करती हूँ बहुत सिंपल सा करती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ तो मॉर्निंग में ही मैं ऑयलिंग करती हूँ 1 घंटे पहले। तो ऑयल के लिए मैं यूज़ करती हूँ पैरासूट का एडवांस्ड डीप कंडीशनिंग हॉट ऑयल। तो मैं ये हॉट ऑयल यूज़ करती हूँ, इससे मैं अपने पूरे बालों में अच्छी तरह से लगा लेती हूँ। स्कैल्प पे पूरे बालों में अच्छे से ऑयल लगाने के बाद 5 मिनट मसाज करती हूँ, देन उसके बाद मैं अपना जूड़ा बना लेती हूँ। 1 घंटे के बाद मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो फिर हेयर वॉश करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ट्रस्मी का यूज़ वाई प्रोफेशनल न्यू कैरेटिन स्मूथ शैम्पू। तो मेरा ये वाला शैम्पू है जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसको मैं आई थिंक 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये मेरा फेवरेट हो चुका है अभी तक का। पहले मैं डब यूज़ करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने ये वाला ट्राई किया तो ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है। केराटिन स्मूथ आपके बाल थोड़े से जो फिजी होते हैं ना, वो आपको मैनेज करने में हेल्प करता है ये शैम्पू। सो ये शैम्पू मेरा फिनिश हो चुका है, तो इसलिए मैं ये एक और बॉटल लेकर आई थी, बट मुझे बड़ी बॉटल नहीं मिली तो मैं छोटे से ही काम चला लूँगी, फ़िलहाल 1 मंथ चल जाएगा। तो ये है ट्रेस्मिक का केराटिन स्मूथ शैम्पू, मुझे ये वाला शैम्पू बहुत पसंद है। तो ऑयल करने के बाद मैं ये शैम्पू करती हूँ अपने बालों में। देन शैम्पू करने के बाद मैं करती हूँ न्यू डव का ये कंडीशनर है, मुझे ये कंडीशनर बहुत ज़्यादा पसंद है। डव के कंडीशनर बेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रीमी होते हैं, तो ये कंडीशनर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये है न्यू डव नरिशिंग सॉल्यूशन डेली शाइन कंडीशनर, बहुत ही अच्छा कंडीशनर है ये। और ये है फॉर डल फ्रिजी हेयर के लिए, तो आपके डल और फ्रिजी हेयर हैं तो उसके लिए है। काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, आपको हर तरीके के अपने बालों के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो ये है कंडीशनर। तो पहले मैं ऑयल करती हूँ, फिर मैं शैम्पू करती हूँ, फिर उसके बाद मैं करती हूँ कंडीशनर। तो कंडीशनर को मैं 5 मिनट के लिए अपने बालों में लगा रहने के बाद अपने बाल अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद मैं अपने बालों को टॉवल में लपेट के 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ टॉवल में। जब मेरे बाल आधे सूखे आधे ड्राई हो जाते हैं, मतलब कि अगर आपके मेरे बाल 50% ड्राई हो जाते हैं, देन उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ स्ट्रिक्स प्रो हेयर सीरम। ये वाला सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ। सीरम एक्चुअली मैंने यही यूज़ किया है, और इससे पहले मैं करती थी लिवोन का सीरम जो आता है ना, वो यूज़ करती थी। सो अभी मैं फ़िलहाल में ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आपको रिज़ल्ट अच्छा दे देता है। देन अगर मैं कभी फ्यूचर में सारी चीज़ें चेंज करने के बारे में सोचूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, फिलहाल मैं अभी ये कर रही हूँ। तो इसे मैं अपने हाथों पे थोड़ा सा ले लेती हूँ 1 या 2 पंप, देन उसके बाद मैं अपने नीचे वालों में फिजी हेयर जो होते हैं उसको मैं लगा लेती हूँ, देन उसके बाद मैं अपने कॉम कर लेती हूँ बाल जब मेरे सूख जाते हैं। तो मेरा हेयर केयर रूटीन और बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती, बस 4 प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ अपने बालों में। सो ज़्यादा चीज़ें मैंने कभी यूज़ भी नहीं की हैं, बट जो भी करती हूँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और काफ़ी शाइन करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। सो अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर